रिधम बहुत अवश्य है हर चीज के लिए, मंत्र उच्चार करने के लिए भी, और गुरु दीक्षा लेने के बाद उस मंत्र को अगर हम जाप करना चाहते हैं तो उसमें भी रिधमिक रूप से अगर जाप करेंगे तो मन उसमें ज़्यादा लगा रहता है। अब इसका उदाहरण हनुमान जी का हम दे सकते हैं। हनुमान जी बहुत ही, उनको उनका कंठ ही बहुत कहा जाता है मीठा है मधुर है, तो बहुत ही मीठा भरकर रिदमिक था से स्वर अच्छा निकाल कर अक्षर को जोड़कर राम नाम जपते थे। राम 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 भी बोल सकते हैं, रामा ऐसे भी बोल सकते हैं, किशा किशा शेष भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय का भी शा भी बोल सकते हैं। वो जो रिदम आता है ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, वैसा रिदमिक रूप से हमने राग से गाएंगे तो उसमें रस ज्यादा हो जाता है। जो श्री राम जय हम वैसे ही बोल सकते हैं, श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसा भी हो जा सकता, जय राम भी उसमें नहीं आएगा, तो उसमें थोड़ा सा राग मिला लेंगे तो वो और रस देता है, मन को भी देता है और सुनने वालों को भी वो खींच देता है। इस वजह से मैंने सवेरे कहा था कि थोड़ा सा अच्छी तरह से एक साथ जुड़ के, अगर जब हम सबके साथ बैठ कर उस माहौल में जब हम कुछ सत्संग करते हैं या पूजा इत्यादि करते हैं तो उस माहौल के अनुसार हमें हमको बना लेनी चाहिए, तब और ज़्यादा उत्साह आ जाता है। वैसे मैं आपको देवी भगवत पुराण से एक कथा सुनाती हूँ, वो तो सभी लोगों ने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा कई बार, फिर भी मैं चाहती हूँ कि अब एक बार और सुनाते हैं। नवरात्रों में मैं सुनाती भी हूँ, पता नहीं कितना सुनते हैं और कितना मन में बिठाते हैं और कितना एक कान से दूसरा कान को कनेक्शन देके छोड़ देते, वो मुझे पता नहीं, सुने भी होंगे। फिर भी इस बारे में ये जो मंत्र पे बीजाक्षर मंत्र देवी का, वो बीजाक्षर मंत्र के बारे में इतना अच्छी तरह से देवी पुराण में बोला गया है कि अनाड़ी से अनाड़ी, अनपढ़ गवार से भी गवार, थोड़ा सा भी वो बीजाक्षर का उच्चर हो जाता है तो माँ कितना कृपा करती है उनके ऊपर। देवी पुराण से हम एक बहुत अच्छा सबक सीखेंगे जो ये कथा मैं बताने जा रही हूँ, उसको गौर से सुनना। सुदर्शन को मातेश्वरी का कृपा कैसी हुई, उनका कृपा का पात्र बनने के लिए कई जन्मों का हमें पुण्य होनी चाहिए, ऐसे वैसे कोई नहीं बनता है। उनका कृपा का पात्र बन गया है ऐसे कल्पना भी कोई करते हैं, किसी लोगों को जो सचमुच कृपा का पात्र बनते हैं उनका भी बात डोंग लग रहा लगता है, मन है ना, मन बहुत चंचल रहता है, इतना आसानी से वो किसको मान नहीं लेता है।
सभी चीज मन के ऊपर आधारित है। मन जहाँ रहेगा वहीं पर हम रहते हैं, वही एक्शन हम करते हैं। जैसा मन कहेगा, जैसा मन का डायरेक्शन है वैसा। इस वजह से स्वयं को अभ्यास कराना चाहिए। जितना उस मन को सात्विक वृत्ति में अभ्यास करवाएंगे, वो आपको वैसे ही रास्ते में लेकर जाएगा। अभ्यास होने पर ही मन एक जगह में टिकता है, अथवा उसको एक जगह में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के 15वां पीढ़ी से भी पहले अयोध्या नगरी में एक राजा थे ध्रुव संधि नाम से। बहुत ही नेक उत्तम पुरुष थे, सूर्यवंशी अयोध्या नगरी के वो राजा थे। उनको दो पत्नियां थी, एक उज्जैनी नरेश का पुत्री लीलावती थी और पठानी उनकी, उनका नाम था, उनकी एक पटरानी भी थी, नाम मैं भूल गई अभी। तो पहले तो पटरानी होती है और दूसरी है उज्जैनी नगरी का राजकुमारी। अब इन दोनों को कई सालों के बाद पुत्र संतान हुआ, तो जो पहली पटरानी थी उसका बेटे का नाम था सुदर्शन और दूसरी जो लीलावती थी, लीलावती का पुत्र का नाम था शत्रुधित। राजा बड़े अच्छे थे, उनको सारा संस्कार डाल दिया उन्होंने, बहुत ही प्रेम से पाला। दोनों में किसी प्रकार का उन्होंने भेदभाव नहीं रखा, पटरानी का पुत्र को भी और लीलावती का पुत्र को भी, दोनों को एक ही जैसा उन्होंने मन में सोचकर पालन पोषण किया। सभी कलाएं उनको आ गई, बहुत ही कुशल पूर्वक उनका जीवन, राजा का जीवन चल रहा था। अब एक दिन जब राजा शिकार करने को निकले और शिकार करने गए, वहाँ पे उन्होंने एक सिंह के साथ में मुठभेड़ की और वहीं पर सिंह के साथ वो भी मारे गए। राजा मर गए, राज्य के लिए कोई राजा नहीं है। पटरानी का जो पुत्र सुदर्शन था, सभी लोग उनको ही गद्दी में बिठाने के लिए चाहते थे, परंतु जो उज्जैनी नरेश का पुत्री लीलावती थी, उसका पिता, वो नहीं चाहते थे कि सुदर्शन राजा बने। उनके मन में जलस ईर्ष्या आ गई, सुदर्शन राजा बनेगा तो मेरी पुत्री का या मेरा पुत्री का बेटे का क्या हो जाएगा पौत्र का, तो मैं ये होने नहीं दूंगा। बड़े तेज गुण वाले थे, क्रोधी थे, वो धनाधन आए और उन्होंने सुदर्शन का जो नाना थे
उसे भी ख़त्म कर दिया और राज में उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ कर सभी लोगों को जो सुदर्शन के फेवर में थे सभी लोगों को मार गिराया और अपना बेटी का पुत्र को बिठा दिया। युद्धसेन उनका नाम था, युद्धसेन कुछ था उनका नाम, उन्होंने बिठा दिया। अब राजगद्दी में शत्रु जय बैठ गया, शत्रु जीत बैठ गया, राजा बन गया। सुदर्शन की माँ डर गई, उसने कहा अब क्या होगा, मेरे फेवर में यहाँ कोई भी नहीं है, अकेला मैं पुत्र को यहाँ रखूँगी वो भी अच्छा नहीं है। विदली नाम से उनका जो वहाँ के महामंत्री थे उन्होंने कहा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। तो सुदर्शन की माँ सुदर्शन को लेकर वहाँ से रात छोड़कर चोरी चोरी छुपी निकल गई, किसी को पता ही नहीं लगा कहाँ है और कहाँ गई। लीलावती के पिता उज्जैनी नरे उन्होंने विदा से उन्होंने बहुत देखा कि उसको जिंदा रहने नहीं देना चाहिए, इसीलिए ढूंढा सुदर्शन को। आखिर पता लगा कि वो एक आश्रय में शरण लिए हैं, भरद्वाज महामुनि के आश्रम में भी गया पर महामुनि से डर कर वे वापस आ गया। अब वापस आने के बाद महामुनि उस बच्चे को पालने लगे और उसकी माँ को भी वहाँ ठहरा दिया। और विदर्भी जो उनका महामंत्री थे वह भी वहाँ ठहर गए, क्योंकि जब दूसरा राजा राजगद्दी पर बैठ जाता है तो जो जुना पहले वाले राजा का जो भी फेवर करता है उसका जान का खतरा होता है। इसलिए कई मंत्रियाँ कई जो राज विश्वासी सेवक थे सभी लोग आ गए भरद्वाज महामुनि के आश्रम में आश्रय लेने के लिए। आश्रम में ही आश्रय मिलता है सबके लिए। महामुनि भरद्वाज के आश्रम में और भी कई शिष्य थे तो शिष्य सभी लोग ये बच्चे को बहुत प्यार करते थे, छोटा था बच्चे को प्यार करते करते बातें भी करते थे। तो कभी कभी वो ऐसे बोल देते कि जो महामंत्री विदली है वो तो क्लीब है। तो कई लोगों ने यही बात किया वो क्लीब है, क्लीब मैंने क्या बोलते हिजरा नपुंसक। तो और किसी ने कहा हाँ हाँ शायद वो क्लीब है, और किसी ने कहा अरे सभी लोग उसको क्लीब क्लीब बोलते हैं। आश्रम में ऐसे बातें फैल गई, अरे वाकई में वो क्लीब है, एक दूसरे को ऐसे पूछने लगे। तो ये बच्चे को सब प्यार करते थे तो बच्चे के मुंह में क्ली क्ली आ गया सुदर्शन के मुंह में, वो बार बार क्ली क्ली करता था। उसको वो जो क्ली शब्द इतना अच्छा लगता था कि खाते बैठते उठते कभी कभी नींद में भी उठ के क्ली 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 करता था, खेलते समय भी क्ली क्ली करता था। तो उसके मुँह में वो क्ली बैठ गया, मन में भी क्ली बैठ गया, इतना आनंद आता था उसे क्ली क्ली करने के लिए। तो माँ खाना देगी क्ली क्ली करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा तो क्ली क्ली करेगा। किसी को समझ में नहीं पड़ा, बच्चा है तोतली बोलता है तो क्ली क्ली, इतना प्यार से बोलता था उसको
उसके वो क्ली के ऊपर इतना प्यार हो गया कि वो भावुक होकर क्ली क्ली बुलाता था सबको, किसी का नाम नहीं आता था तो क्ली ऐसा बुलाता था वो बच्चा सुदर्शन। अब उसके मन में उसके मुंह में उसके आवाज से क्ली सुनना सबको पसंद आता था, तो सुदर्शन बोलो बोलो लोग बोलते क्ली क्ली करता था, तो अच्छा लग रहा था लोगों को, पशु पक्षियाँ भी वहाँ उसके मुंह से क्ली क्ली सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। देखो भाग्यवश जो क्लीम है वो दुर्गा देवी का काली देवी का बीजाक्षर मंत्र था, जन्म का भाग्य है उसे, कोई जन्म में वो इतना पुण्य कमा कर आया होगा इसलिए वो मंत्र उसको बहुत अच्छा लगा। तो माँ प्रसन्न हो गई, माँ दुर्गेश्वरी अंबिका बहुत प्रसन्न हो गए। वो छोटा नन्ना सा वो जब क्ली क्ली पुकारता था अपना मन से, और वो तो बहुत ही मौसम था, भोलापन था उसके अंदर, तो माँ को भी बहुत अच्छा लगा। मातेश्वरी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, बहुत खुश हो गए। भरद्वाज महामुनि जैसे ही ये थोड़े बड़े हो गए तो इनको क्षत्रिय रीति प्रमाण सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते हैं और सभी वेद शास्त्रों इत्यादि का ज्ञान देते हैं, सब कुछ यूं करते ही उनको आ गया। मुंह में जो क्ली मंत्र आ गया है, माँ का बीजाक्षर मंत्र आ गया है, तो वाक शुद्धि हो गया। वाक शुद्धि होना भी बहुत कठिन है, तो उसके अंदर वाक शुद्धि हो गया। अब हम बहुत सारे लोगों को प्रसाद बोलने के लिए थोड़ा सा वाक शुद्धि नहीं है, नॉर्थ इंडियन प्रसाद बोलते हैं, एक्चुअली उसे लिखा जाए तो प्रसाद लिखते हैं, पर जब वो मुंह से बोलते हैं प्रसाद बोलते हैं। प्रवीण के बदले में मैं कई लोगों को देखा है, इतना सुंदर नाम प्रवीण रहेगा, प्रवीण बुलाएंगे उसको, तो ये वाक शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। और अच्छी तरह से उच्चर कर उसमें रमकर बोलना और भी माँ को प्रशंसा करती है, तो माँ दुर्गेश्वरी बहुत प्रसन्न हो गई काली। उस बच्चे के ऊपर तो सारा विद्याएं जो भी उसको सिखाया जाता था सब वो जल्दी से जल्दी सीख पाता था, दूसरी बार बोलना ही नहीं पड़ता था। मुनिवर बहुत खुश थे, भरद्वाज मुनिवर उनके ऊपर जो कुछ भी उन्हें कुछ सिखाया जाता था वो गुरुजी वो शिक्षक उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते थे। और एक बार वो आश्रम के आसपास जंगल में घूम रहा था, परंतु ये क्ली को वो भूलता नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, तो वो क्ली क्ली करते घूम रहा था, तो वहाँ से चिड़िया तोता मैना भी जब आवाज़ करते थे तो उसको वही आवाज़ सुनने में आता था, भूल भी जाता था तो उसे वो पक्षियों का आवाज़ में वो क्ली आवाज़ आती थी। तो ऐसे बोलते बोलते वो घूम रहा था, अब तो थोड़ा समझदार भी हो गया उसका, अब बचपना भी गया, अब तो युवक भी बन गया,
उसको माँ का दर्शन भी बार बार होता था, आशीर्वाद भी मिलता था। अब तो वो पूरा मन में भगवती का ही ध्यान करते हुए वो क्ली को ही बुलाता था। उससे भी बहुत अच्छा लगा, क्ली बोलने से माँ प्रसन्न होकर मेरे सामने आ जाती, तो उसमें रमता था। उसको पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है और स्मरण क्या होती है। पुराणों में, इतिहासों में उन्होंने पढ़ा था, भरद्वाज महामुनि के आश्रम में उसने देखा है, तो अब वो उसका अनुभव भी करने लगा। ऐसे प्रोत्साहन हो गया उसे कि वो हमेशा सोचता था कि मेरे साथ जब परम शक्ति है, मुझे किस बात का डर। तो उसे घूम याद करते करते घूम रहा था जंगल में, उसको अस्त्र त्रुणी मिली, वो अस्त्र डाल कर रखते ना तो वो भी मिली, और एक अच्छा सा धनुष भी मिला, बाण भी, धनुष भी मिला उसको। कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसने डाला, वो उसे पता नहीं, परंतु चलते चलते उसे दिखाई पड़ी और उसने उठा लिया। और सोचने लगा ये किसका हो सकता है, ये तो चमकता है, देवताओं के हो सकते हैं। मैं इसे उठा तो लिया परंतु कैसे रखूंगा। माँ प्रसन्न होकर कहती है, वाह कितना सच्चाई है, जो अपना नहीं है उसको अपना अपनाने के लिए सात्विक वृत्ति वालों को संकोच होता है, शर्म आता है। भाई मुझे मिला, मैंने ले लिया, मुझे क्या पता था तुम्हारा, अब प्रूफ लेके आओ ये तुम्हारा है कि नहीं। ऐसे हम अगर कुछ हमें प्राप्ति हो जाएगा तो तुरंत लड़ने लग जाएंगे, प्रूफ दिखाओ, कौन साक्षी है तुमने इधर डाला था, गिराया था, या तो उसे जाकर पुलिस में जमा कर दो। ऐसे सारे बातें निकलती है आजकल के ज़माने में।